हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी वोक मोड। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का हॉल है हमारा जूरियो ट्राई ऑन हॉल, जो कि मैंने उस दिन शॉपिंग करी थी उसका पूरा व्लॉग जूरियो का पड़ा हुआ है। आपको लेटेस्ट कलेक्शन देखना है तो आप उस हॉल को देखिए। तो हम लोग इतनी सारी शॉपिंग जूरियो से करके लाए हैं जो कि आपके साथ शेयर करते हैं। बता दें आपको कि फर्स्ट टाइम हम लोग जूरियो गए थे केवल एक्सप्लोर करने के लिए, पर पता नहीं था कि इतनी सारी चीज़ें पसंद आ जाएंगी। तो एक एक करके चलिए दिखाते हैं आपको। तो ये हमारी फर्स्ट ड्रेस है, खादी कॉटन इसका मटेरियल है जो कि बहुत सॉफ्ट है, गर्मी के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है। जिस तरह समर सीज़न और ये रेनी वाला चल रहा है, ह्यूमिडिटी वाला, उसके लिए बेस्ट है ये। 899 रुपीज़ की ड्रेस है, बट मुझे ये 299 की पड़ी थी जो कि स्टील डील थी। और कॉटन की ड्रेस और इतनी प्यारी सी, तो आप देख लीजिए ये फ्रंट लुक है और ये बैक लुक है। ये फ्रंट एंड बैक से हाई लो पैटर्न में दी गई हुई है। फ्रंट से थोड़ी शॉर्ट है, पीछे से लॉन्ग है। ये इसके हेम पार्ट में थोड़ा सा इलास्टिक दी गई है एंड इसका फ्लेयर भी काफ़ी अच्छा है। अगर मैं ट्राई ऑन हॉल कर सकी अपना तो मैं वीडियो साइड में लगा दूँगी। एंड इसका आर्म होल भी जितना बड़ा दिख रहा है आपको उतना है नहीं, एकदम कम्फर्टेबल है। और ये समर के अकॉर्डिंग बहुत ही बढ़िया, आप ये वाली ड्रेस पहनकर जूट की हैट लगाकर एंड जूट वाला बैग लेकर आप बीच लुक बहुत प्यारा सा क्रिएट कर सकते हैं स्लीपर्स पहन के। और इसका बेस्ट पार्ट है कि इसके दोनों साइड में पॉकेट दी गई हुई हैं, दोनों फंक्शनल पॉकेट है, तो ये बेस्ट है। एंड देन मैंने ये ली थी डेनिम की ड्रेस जो कि बहुत प्यारी सी लग रही थी। और इसके पीछे की स्टोरी मैं सुनाती हूँ, पहले आप ड्रेस देख लीजिए। ये भी मुझे 999 की ड्रेस जो थी वो 299 रुपीज़ में पड़ी थी, स्टील डील थी। और इसका साइज़ देखिए डबल एक्सेल है। वो वाइट वाली ड्रेस लार्ज साइज़ की थी तो मैंने सोचा कि मेरी साइज़ की तो नहीं है, बट ले लेते हैं इसका क्या करेंगे। मैक्स में मैंने एक डेनिम का बैग देखा था, टोट बैग देखा था, जो कि मुझे लगा था मैं इसका भी नीचे से सिल के कुछ DIY करके इसका झोला बना लूँगी, क्योंकि इसकी पॉकेट्स बहुत बड़ी बड़ी है। ये फ्रंट से आपको दिख रही है वो बहुत छोटी है। ये काफ़ी शॉर्ट ड्रेस है, आप इसके नीचे लेगिंग एंड अंदर टी शर्ट पहन के बहुत अच्छा लुक क्रिएट कर सकते हैं। विंटर में भी आप पहन सकते हैं। पूरी फुल बैक जिप दी गई हुई है और जिप के पीछे ये कपड़ा लगा हुआ है, जिससे ना तो स्किन पे आपके लगेगी वो जिप एंड ईजिली बंद हो जाएगी। इसकी पॉकेट देखिए कितनी बड़ी है और दोनों पॉकेट फंक्शनल हैं। तो ये देखिए केवल शो के लिए नहीं दी गई हुई है, फर्स्ट एंड दिस सेकंड पॉकेट। ये पॉकेट्स देख के मैंने सोचा था मैं इसका बैग बना सकती हूँ, बहुत ही प्यारा सा बनेगा DIY करके। बट इसकी स्ट्रैप्स जो हैं वो एडजस्टेबल हैं, तो काफ़ी अच्छा सा ड्रेस पहनने के बाद लग रहा था। नेक्स्ट आइटम है हमारा ये फुल ब्रीफ जो कि 3K पैक में है, 249 रुपीज़ का मिला था। एंड इसका जो मटेरियल है ना वो काफ़ी सॉफ्ट है, फुल कवरेज हाई राइज ब्रीफ है। नेक्स्ट आइटम है हमारा ये नेल पेंट रिमूवर जो कि 49 रुपीज़ में मिला था। अभी तो इसको यूज़ नहीं किया, यूज़ करके आपको इसका रिव्यू दूंगी। एंड देन ये 79 रुपीज़ में ये काजल है। एंड देन ये 199 रुपीज़ का चीक शाइन हाईलाइटर जो कि सिल्वर कलर में है। इसकी पैकेजिंग बहुत स्टर्डी है, अभी देखिएगा इसके अंदर से कैप भी लगी हुई है ऊपर। एंड देन इसके अंदर भी एक कैप दी गई है प्रोटेक्शन के लिए, कि ये जो इसका प्रोडक्ट है वो कैप में ना लग जाए। देन इसकी क्वांटिटी देखिए काफ़ी अच्छी खासी दी गई हुई है। इसका स्वॉच मैं आपको दिखाती हूँ, बट ये कैमरा इतने अच्छे से कैच नहीं कर रहा है तो मैं आपको एक शॉर्ट में दिखा दूँगी। एक शॉर्ट वीडियो में आपको इसका मैं ट्राई ऑन दे दूँगी अगर इसमें नहीं समझ में आ रहा है आपको। एंड देन ये काजल है जो कि ग्लिटर वाला काजल है, कॉपर कलर का। काजल की बहुत सारी वैरायटीज़ थी, आपको अगर देखना है तो आप मेरा फुल वीडियो देखिए जूरियो हॉल का, जो कि मैंने एक ब्लॉग बनाया हुआ है, तो उसमें आपको सारे कलर्स मिलेंगे। ग्रीन था, ब्लू कलर था, ब्राउन एंड ब्लैक, बहुत ही प्यारे प्यारे कलर्स थे और बहुत ही स्मूथ है। ये देखिए इसकी क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है। ये आप अगर लैक में मेबेलिन एंड फेसेस कैनेडा में आप 150 रुपये का जो काजल लेते हैं मिनिमम बता रही हूँ मैं, उसमें इतनी क्वांटिटी मिलती है जो कि 79 रुपीज़ में मिल रही है। और ये बहुत ही स्मूथ चल रहा है, ग्लाइड कर रहा था बिल्कुल। देखिए आपको अगर वीडियो दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो कमेंट कर दीजिएगा, आपको डेडिकेटेड वीडियो इसका बना के दे दूँगी शॉर्ट में। शाइनी ग्लिटरी सा है तो आपको ये नाइट फंक्शन में लगाने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। और ये अभी स्टार्ट होता है हमारा मेंस कलेक्शन जूडियो का। आप कम बजट में अच्छी शॉपिंग करना चाहते हैं तो जूडियो ज़रूर जाएँ। सारे के प्राइस मैं नहीं कह रही हूँ, रीजनेबल होता है, बट इस समय अगर शॉप से आप जीन्स वीन्स परचेज़ करते हैं तो आपको 1500-1600 से कम कहीं नहीं मिलने वाली है। और इसमें आपको 1000 रुपीज़ से
कम में ही आप। इसका प्राइस है 699 रुपीज का एनी शिकागो रिलैक्स स्ट्रेट फिट जीन्स है। इसका साइज 36 है। ट्राई ऑन ऑल आपको मिल जाएगा। इसका मटेरियल बहुत ही सॉफ्ट है और 700 में फिलहाल तो अच्छी जीन्स मिलना मुश्किल है। और सारी पॉकेट फंक्शनल है। इसकी लेंथ भी देख लीजिए प्रॉपर है। 6 फीट के हैं हमारे हस्बैंड तो उनके हिसाब से यह हाइट बिल्कुल परफेक्ट है। ट्राई ऑन ऑल आप देख लीजिएगा। और ये स्ट्रेचेबल है काफ़ी। बैक से भी देखिए फिटिंग इसकी काफ़ी अच्छी आ रही है। एंड देन ये है ब्लैक कलर की जैकेट, जिपर है ये, जो कि था 899 रुपीज़ का। और ये आप विंटर्स में भी पहन सकते हैं लेयरिंग करके, एंड समर के लिए तो अच्छा है। काफ़ी लुक इसका अच्छा है, बिल्कुल जैसे वो राइडर वाली जैकेट नहीं होती ना, ये वैसे दिख रही है। इसकी जिप बहुत स्मूथ है। 2 पॉकेट दी गई हुई हैं, दोनों ही फंक्शनल है। और इसका जो साइज़ है वो 44 सेंटीमीटर वाला है। एंड इसका कलर जो है जेड ब्लैक कलर का है। इसकी पॉकेट फंक्शनल है, कलर इसका ब्लैक है। एंड मटेरियल इसका डेनिम है, डेनिम की जैकेट रहती है जैसे वो है। फुल लेंथ की स्लीव्स हैं और इसके जो स्लीव्स में बटन दी गई हुई हैं, फ्रंट में चिट बटन है, देन इसके ऊपर नॉर्मल वाली बटन्स हैं। एंड इसका लुक देख लीजिए आप, ट्राई ऑन हॉल में आपको दिख रहा होगा। और ये जो राइडर वाली जैकेट होती है ना, ये वैसे दिख रहा है। इसका कपड़ा थोड़ा खड़ा खड़ा सा है जिससे डेनिम का रहता है, एकदम सॉफ्ट स्मूथ नहीं है, पर काफ़ी अच्छा मटेरियल है इसका। बेस्ट बाई है, आप ज़रूर करें वहाँ से परचेज इसको अगर आपको मिल रही है स्टॉक में है तो। देन मैंने ये 499 रुपीज़ में कॉटन की टी शर्ट ली थी। ये टेक्सचर टी शर्ट है। प्राइस के अकॉर्डिंग इसका मटेरियल बहुत ही ऑसम है। और इसमें अब फ्रंट में ये जिपर लगी हुई है, पोलो टी शर्ट है। एंड देन जो मेंस का मैं बता दूँ कलेक्शन, उसमें कोई भी ऑफर नहीं चल रहा था, सारा आपको MRP पे ही मिलेगा। स्लीव देखिए नीचे से नैरो है एंड इसका जो मटेरियल बहुत ही स्मूथ एंड स्ट्रेचेबल है। नॉर्मल टी शर्ट के जैसे नहीं है कि पहनने के बाद वो लूज हो जाती खिंच जाती है, ऑलरेडी इसका स्ट्रेचेबल मटेरियल है एंड टेक्सचर्ड है। साइड से इसमें स्लिट दी गई हुई है। बेस्ट बाय है। तो मैंने इसका 2 लिया था, एक व्हाइट कलर है, देन इसी का सेम नेक्स्ट ब्लैक कलर में लिया हुआ है। केवल कलर का ही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों में ही टेक्सचर्ड है कपड़ा, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस बनी हुई है इसमें। अगर आप पास से देखें तो मे भी दिखे आपको। फ्रंट में इसके जिप दी गई हुई है और लुक इसका आपको ट्राई ऑन हॉल में क्लियर हो जाएगा, तो ये आपको ट्राई ऑन हॉल में दिखा रही हूँ। इसके साइड में सेम वाइट के जैसे ही नैरो हो जाती है, साइड से रिब्ड है एंड देन इसके साइड में स्लिट दी गई हुई है। एंड देन नेक्स्ट ये है क्रोशेट स्टाइल में दी गई हुई है, जैसे गर्ल्स के क्रोशेट टॉप्स चलते हैं वैसे मेंस की ये क्रोशेट टी शर्ट दी गई हुई है। निटेड है ये, काफ़ी स्मूथ एंड स्ट्रेचेबल है। जो XL पहनता है वो एक साइज लोअर ले, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रेचेबल और लूज है। तो आप एक साइज लोअर जाएंगे तभी आपको फिटिंग इसकी अच्छी मिलेगी, अदरवाइज़ बहुत ही लूज सी मिलेगी। बैगी स्टाइल नहीं है, बट ये बहुत ही वियर्ड लगेगा अगर आप सेम साइज़ का खरीदते हैं। तो ये देखिए वुलन है, आई थिंक ये सर्दियों में पहनने के लिए है। लुक वाइज बढ़िया है, मटेरियल वाइज बहुत अच्छी है। ये 599 रुपीज़ की मिली थी एंड नीचे से जाके ये नैरो हो जाती, इसमें साइड में कोई स्लिप नहीं दी गई हुई है। सेम ऐसे ही इसकी स्लीव्स भी हैं, शॉर्ट स्लीव्स है। एंड इसका मटेरियल कलर देख लीजिए, बेज कलर की है, बेज एंड ऑलिव कलर की डिज़ाइन बनी हुई है। सेम इसी के अपोजिट कलर में ऑलिव एंड बेज में दिया हुआ था एक और। और इसके बाद मैंने इनविजिबल सॉक्स लिए थे जो 149 रुपीज़ में 3 का पेयर मिला था। इसका मटेरियल बहुत ही सॉफ्ट एंड कॉटन का है और बहुत ही अच्छी इसकी क्वालिटी है। और यूजुअली 49 रुपीज़ में सॉक्स 1 पेयर मिल जाता है अच्छा, तो सेम वैसे ही है ये 3 का पेयर 149 रुपीज़ में मिला है। देन मैंने ये 699 रुपीज़ के शू परचेज करे थे जो कि मेंस का ही कलेक्शन है। मटेरियल इसका बहुत ही सॉफ्ट है, स्लिपॉन्स वैसे भी कंफर्टेबल रहते हैं पहनने में, क्योंकि लेसिस टाइप करने का कोई झंझट नहीं होता है। एंड इसका बैक का सोल देख लीजिए, जो प्लास्टिक का बना हुआ है। एंड ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है, कंफर्टेबल है, सॉफ्ट है, देखिए काफ़ी अच्छे से मुड़ जा रहे हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी पहनने में। चट से पहनिए, पट से बाहर जाइए। एंड सेम इसी का ब्लैक कलर भी लगा हुआ था 699 रुपीज़ में ही। तो आप जो डिलीवर में पहनना चाहते हैं तो ये मस्ट बाय है आपके लिए। सो दैट्स फॉर टुडे गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू सून, बाय बाय।